यहाँ पर फ्रेंड जांच करने के बाद यहाँ पर देखिए बाहर सब लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। देखिए कुछ क्या कहते हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और देखिए क्या नतीजा समान सामने निकल के आता है कि आखिर ये मर्डर हुआ है या खुदकुशी है, तभी पता चल जाएगा आपको। वही ग्राम उमरी कला थाना खैलियाबाद, इन्होंने तहरीर दिया था कि उनकी लड़की मालती चौहान है जो अपने घर पे मृत पड़ी थी। उन्होंने ससुराल के ऊपर, लड़की की जो ससुराल है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी, उनके ऊपर उन्होंने, अपने जो दामाद थे उनके ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उन्होंने हमसे दहेज मांगते थे, 2 लाख रुपए भी मांगते थे और इसी कारण उनकी लड़की की लोगों ने हत्या कर दी। इन्होंने थाना पे तहरीर दिया हुआ है, तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी की उपस्थिति में उसका हम लोग PM करा रहे हैं। PM के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं, लड़की कैसे मरी है, किन परिस्थितियों में मरी है, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद फांसी लगाई थी, फांसी के बाद भी, चूँकि PM में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, PM के बाद जो जो चीज़ें हमारे पास आएंगी और विवेचना, चूँकि क्षेत्राधिकारी धनघटा विवेचना कर रहे हैं, विवेचना में जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सबको समाहित किया जाएगा सर। विवाद का उसी के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे विवेचना। सर विवाद कई दिनों से चल रहा था, तो क्या मालती चौहान की तरफ से कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया? नहीं, अभी तक थाने पर कोई एप्लीकेशन जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि आज तहरीर प्राप्त हुई है। अगर कोई तहरीर दी गई होगी तो उस पर भी जाँच की जाएगी। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके पति और इनके किसी दोस्त के साथ जो है थाने पर 151 की कार्रवाई भी की गई थी। अब वो किन परिस्थितियों में की गई थी सब जांच का विषय है। सर पति पत्नी और वो की मामले सामने आ रहे हैं। अब देखिए, जो मैंने कहा ना कि ये विवेचनात्मक विषय है, जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आएंगे हम लोग माननीय न्यायालय के समय चखेंगे, विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। जो जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी तो उनके घर वालों से बात की जानी है, अभी तो ससुराली पक्ष लोगों से बात की जाएगी, जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी खिलाफ कार्रवाई। सर एक सवाल, कुछ दिन पहले अर्जुन वर्मा नामक लड़के से जिष्णु चौहान जो मालती के पति हैं शादी करा दिया था मंदिर में, उसे क्या इस जांच में शामिल किया जाएगा इस मामले को? मैंने कहा ना कि विवेचना प्रारंभ भी हुई है, जो जो तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी तथ्यों का संज्ञान लिया जाएगा, जो भी कानूनसम्मत कार्रवाई होगी विवेचनात्मक कार्रवाई की। सर आखिरी सवाल, सर मुलजिम कौन कौन बनाया गया इस तहरीर के आधार पर? सर पति को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है, आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको। मोबाइल से कुछ सर कुछ संदिग्ध चीजें मिली? अभी इतनी जल्दी नहीं कहने का विषय, चूंकि विवेचना का विषय है, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते। कितने की गिरफ्तारी? मैंने कहा अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी PM कराया जा रहा है, आपको पहले भी बताया हूँ, विवेचनात्मक विषय है, आगे जो भी तथ्य आएगा आपको बताया। तो फ्रेंड आपने पूरा सुन लिया है कि पूरा मतलब जांच यहाँ से हो चुकी है, बाकी बोल चुके हैं कि मतलब जो भी अगर इसमें थोड़ा सा भी इसमें दोषी पाया गया उसको गिरफ्तार किया जाएगा, बाकी मिस्टर विष्णुराज भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे भी जांच हो रही है, तो आगे देखिए क्या होता है फ्रेंड। बाकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है शायद आ चुकी होगी या अभी आने वाली होगी, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो पूरा की जाएगी। तो साहब लोग यहाँ पर देखिए जाँच करके अभी जा रहे हैं, ठीक है, तो चलिए जैसे ही आगे कुछ और दूसरा अपडेट मिलता है आपको देते हैं हम। और ये आज तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि विष्णुराज को भी मतलब थाने में पूछताछ किया जा रहा है।